भी मंदिर के निर्माण को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर इसका निर्माण कराया तो किसने कराया। इस पर एक खास नजरिया सामने रखा डॉक्टर प्रशांत जोशी ने, जो खुद पीजी कॉलेज चंपावत में प्राध्यापक के साथ साथ इतिहास के रिसर्चर रहे हैं और कुमाऊं के हर छोटे बड़े मंदिरों पर उन्होंने जबरदस्त ग्राउंड वर्क किया है। बींग घुमक्कड़ ने बालेश्वर मंदिर के निर्माण काल से जुड़ा सवाल उनसे भी पूछा। हमारे उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड जो भी सोर्सेस हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड के इतिहास की, वो कई प्रकार के हैं। जैसे प्राथमिक सोर्स है, जिसमें हमारे पास ताम्रपत्र है, हमारे पास अभिलेख है, हमारे पास ऐसे लेख है जो घंटों में है। इसके अलावा हमारे पास कुछ साहित्यिक स्रोत है, लिटरेरी सोर्सेस है, कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं, वो माने जाते हैं प्राथमिक स्रोत, या फिर जो पुरातात्विक स्रोत हमारे पास है, या जिसमें हम अभिलेख कह सकते हैं, ताम्रलेख कह सकते हैं, ताम्रपत्र कह सकते हैं। तो बालेश्वर मंदिर के संबंध में भी अगर हमें इस बात को देखना है कि इनका निर्माण किस राजा ने या फिर किस वंश ने कराया, तो उसकी जानकारी का हमारे पास एक प्रमुख जो स्रोत है वो यहाँ के ताम्रपत्र है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पौराणिक मान्यताओं में भी इस मंदिर का जिक्र है कि एक राजा रुद्रचंद थे। राजा रुद्रचंद के समय इसी मंदिर से संबंधित एक पुजारी, एक योगी जिनका नाम श्री रामदत्त था, वो राजा रुद्रचंद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राजन, मुझे सपने में भगवान महादेव ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ ज़मीन में दबा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो ये कहकर रुद्रचंद दौड़ा दौड़ा चंपावत आया और उसने वहाँ से महादेव की कई मूर्तियों को निकाला, जो अभी भी वहाँ पर देखी जा सकती है, शिवलिंग देखे जा सकते हैं, और बाद में रामदत्त जी को वहाँ पर ज़मीन भी प्रदान की। और काफ़ी समय तक वहाँ पर उन्हीं रामदत्त के वंशजों ने उस मंदिर की पूजा पाठ की व्यवस्था को संभाला। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि गोरखा शासन के समय में 1795 के आसपास महावीर थापा, जो उनका एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, उसने इस मंदिर की मरम्मत भी कराई थी। और उसी ताम्र लेख में, जिसमें यह जानकारी मिलती है, इस मंदिर को बालेश्वर मंदिर कहा गया। इस मंदिर का जो हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं इस समय, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान चंद शासकों का है, और केवल ना केवल बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद्र, रुद्रचंद, इसके अलावा अभय चंद, विक्रम चंद आदि शासकों की हमको ताम्र लेख, ताम्र पत्र इसके प्राप्त होते हैं, और बहुत सारे इतिहासकारों ने इस चीज का जिक्र किया हुआ। के लिए पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंपावत शहर का नामकरण चंपा देवी के नाम पर ही हुआ। इस बात में भी एक अनुश्रुतियां है, किंवदंतियां है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण हमें कहीं नहीं मिलता कि ये सोमचंद की पत्नी थी या कौन थी, कोई वीरांगना थी। कहीं कहीं जिक्र यह भी आता है कि यह जब चंद राजा सोमचंद यहाँ पे चंपावत में आए और उनका विवाह कत्तूरी शासक ब्रह्मदेव, या जिनको वीरदेव भी कहा जाता है, और टनकपुर में उनके नाम पे ब्रह्मदेव मंडी भी है, तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी बेटी से इनकी शादी हुई थी सोमचंद की, और इस बेटी का नाम चंपावती था। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं उत्तराखंड के इतिहास में जो मौखिक परंपराओं पर आधारित है, किंवदंतियों पर आधारित है, तो इस बात में उतनी प्रमाणिकता नहीं है। लेकिन अनुश्रुतियों में ये व्याप्त है कि चंपावती के नाम पर, चंपावती देवी के नाम पर, इस जगह का नाम चंपावत पड़ा, लेकिन ये उसी सोमचंद की पत्नी थी, इसके बारे में उतने पुख्ता प्रमाण हमको नहीं प्राप्त होते। ऐसे में ये संभावना बनती है कि बालेश्वर मंदिर ऐसे आक्रांताओं और बुरे दृष्टि का शिकार बनी। प्रमुखतः पहाड़ों के मंदिर में ये सुनने में आता है कि यहाँ पे जो भी मंदिर है उसमें मूर्तियों का अगर विध्वंस हुआ है, तो वो रोहिला आक्रमणकारी बेसिकली थे जिन्होंने यहाँ पे हमला किया है। बीच बीच में कुमाऊं के क्षेत्रों में रोहिला आक्रमणकारियों का नाम आता है, मुस्लिम आक्रमणकारियों का। लेकिन एक से एक जो दिग्गज इतिहासकार है जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है, प्रोफेसर राम सिंह, अपनी राग भाग काली कुमाऊं में इस चीज़ का जिक्र भी करते हैं कि 1700 से 1750 के आसपास जब रोहिला आक्रमण हुआ, तो इस क्षेत्र में कोई क्षति नहीं पहुंची, इस क्षेत्र में कोई ऐसा प्रभाव नहीं हुआ कि हम कह सके कि यहाँ पे जो मूर्तियों का विध्वंस हुआ या जो चीज़ें हुई वो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने की। क्योंकि कई ऐसे मंदिर हैं जो कई दूर दराज के क्षेत्रों में है, और वहाँ पे कोई राजनीतिक शक्ति वहाँ पे थी नहीं कि वहाँ पे कोई आक्रमण कर सके। तो जब ज़मीन में कोई दबी चीज़ है तो उसको निकालने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि हमको फावड़ा, कुदाल या छेनी, हथौड़ा, कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। खंडहर है, भूकंप आया, तूफान आया, मूर्तियाँ दब गई, तो हम इतनी आसानी से तो निकलेंगे नहीं। बड़े बड़े स्थानीय
बालू पत्थर से ये मंदिर बने हैं, मूर्तियां बनी हैं, तो हम हथियारों की यंत्रों की सहायता से उनको निकालेंगे। तो इस बात में पूरी संभावना है कि निकालते समय थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है। मंदिर के रखरखाव से मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि ये एक मुख्य बाजार में मंदिर है, और ना केवल ये उत्तराखंड, ये हमारे पूरे देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारी धार्मिक अस्मिताओं से, धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण हमारे ऐतिहासिक एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वसीम बरेलवी जो एक महान शायर है, उनका एक शेर है जो ऐसी स्थिति में एकदम मौजू है। वो कहते हैं कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले तय ये हो कि इस घर को बचाया कैसे जाए। हम इस समय बहुत बड़े बड़े निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे पुरखों की विरासत है, हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम उसको कैसे सहेज सकें, उसका संरक्षण कैसे कर सकें। जैसे कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जो एक कोट है, जो हर मंदिर जो इनके द्वारा संरक्षित है, हर स्मारक जिनका ये देखभाल करते हैं, उसमें हमेशा लिखा रहता है कि प्रयत्न कीर्ति मा प्रवण, अर्थात प्रयत्न करने से कीर्ति की रक्षा होती है।